प्राणायाम कुरुंजली नमस्ते। गाइस नसी को नचा के दोबे से श्री राजस्थान की जिन सांग ने राजस्थान में क्या बोला था आपने राजस्थान के स्टाइल सब्जी बनाई गई है। राजस्थानी सब्जी है लट्ठे की सब्जी, बेसन के लट्ठे की सब्जी बोलते हैं उसको। बेसन नसी बने से दुगाई नचा चा गनी दुबसी ने सलाद जमा नतन चा गनी गाइस बाकी ये हिंदी में गाइस बता दे। गाइस ये है लट्ठे की सब्जी। ये सिर्फ बेसन से बनी है, ओनली फॉर बेसन है ये। तो ये पूरा बेसन की सब्जी है, लट्ठे ही बोलते हैं राजस्थान के अंदर इसको। उस स्टाइल से बनाई गई है और बहुत यम्मी है। इसको रोटी के साथ में खाओ तो और मज़ा आता, पर मेरी वाइफ तो स्पेशल है ना, चावल साथ में खा रही है। कोई तो पिक लिखाई देखिए चकचा बने ना चाक ना तरह उपाय लेते हैं ना बाप। मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ चावल साथ में मत खा, रोटी के साथ में खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। पर मेरी वाइफ बोलती है कि अगर मैंने चावल नहीं खाया तो मेरा पेट नहीं भरेगा, ऐसे लगेगा मैं भी भूखी हूँ। तो गाइस हो लगे उसे कोई गाय देखो राजस्थानी का शायद से एकदम घी लगा रखा है रोटी पे आगे पीछे, और मजा आने वाला है। ये फर्स्ट बाइट। गाइस मजा आ गया यार। पावर की फाबी बहुत टेस्टी है खा मैंने कभी नहीं खाया चावल साथ में ये सब्जी। के देखो। गाइस इतना मजा लग रहा है ना सब्जी के अंदर। सना कम नुन्नू। गाइस मेरी बेटी बहुत वो कर रही है आज, तो गुस्सा हो गई वो, उसको मैंने डांटा था ना इसलिए। बजा गाइस मज़ा आ रहा सब्जी में, बहुत बहुत टेस्टी है आज। मैं मयंक मयंक वाले स्टाइल से बनाई है। क्या बोलते मयंक हैं मयंक मयंक। स्टाइल गाइस ये मयंक बर्ड तो बहुत फेमस हो गया यार, मतलब मयंक मयंक यूज़ कर रहा तो वीडियो के अंदर। एक बार खा के देखो चावल में भी बहुत टेस्टी है बस प्याज का होते कांदा ना राजस्थान में कांदा। कांदा। मेरे को मेरे गांव की याद है राजस्थान की, कांदा खाकर और ये सब्जी खाकर। गाय सब्जी सब इसने बनाया, मैंने रोटी और चावल बनाया। सब्जी मैंने बनाई है बस, वीडियो के टाइम पे रोज ने हेल्प करी है, बाकी तो बहुत अच्छी सब्जी बनी है। मैंने फर्स्ट टाइम तो आपने मैं कोई राजस्थान दिए हैं से मैंने जब से इसके साथ शादी करी ना जब से फर्स्ट टाइम खाया मैंने राजस्थान की सब्जी। मैं पता नहीं क्या था माइंड में आया, अरे यार वो सब्जी बनाता हूँ, बहुत अच्छी सब्जी मिलेगी, बस आज बना दी वीडियो। वही सीरियसली यार अच्छी बनी है। और पता है मेरे को पापड़ की सब्जी भी बनाने आती है। गाइस पापड़ सब्जी भी मेरे को आती है और बहुत टेस्टी पापड़ सब्जी बनाने आती है। जो हम पापड़ वगैरह खाते हैं ना उसकी भी सब्जी बनती है, पता है। हाँ बना होगा हमने कभी नहीं खाया। सब्जी वहाँ खाएंगे उसकी सब्जी नेक्स्ट वीडियो पे, शायद उसकी बनाऊंगा पापड़ की। और उसके बाद में गुलाब जामुन की सब्जी, जो हम रसगुल्ले वगैरह खाते हैं ना गुलाब जामुन ब्लैक वाले, उसकी भी सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है उसकी। आज तो इस सब्जी ने चिकन फेल कर दिया हाँ टेस्टी तो है है ना बेसन की। और हमारे वहाँ पे हर कोई अलग अलग स्टाइल से बनाता है, कोई लंबा बनाता है इसको, कोई गोल में बनाता है लड्डू क्या की तरह। पता नहीं है आज तो इसका दिमाग में क्या आया बोला राजस्थान की सब्जी बनाते हैं। उससे शादी करे आज कभी नहीं बोला इसने, आज फर्स्ट टाइम राजस्थान की सब्जी खिलाया।
ना मैंने इसके घर में खाया, ना मैंने किसी के घर में खाया, फर्स्ट टाइम आज घर पे खाया। सब्जी इतनी टेस्टी है, तो एक सब्जी मेरे को वो भी सीखनी है यार, वो क्या बोलते हैं राजस्थान के अंदर एक सब्जी का नाम है, भूल गया, फेमस है यार, दाल बाटी, सॉरी दाल बाटी इतनी मेन है, वही भूल गया। अच्छा अच्छा, दाल के बनती है, पूरा आटा होता ना, आटे को पूरा गोल उसमें डालते हैं आग के अंदर। अच्छा, और ओनली घी का बनता है, मैंने टीवी उसमें देख के समझ गई, ऐसे बना के ना आग में जलाया, घी में बनता है, घी के अंदर, और घी डालते हैं, सब्जी डालते हैं, उसको ऐसे करके फिर खाते हैं, मज़ा आता बहुत। मिर्ची है ना तो और टेस्टी है इस सब्जी में ना, जितना हम तेल रखेंगे ना, थोड़ा तेल हल्का ज़्यादा होना चाहिए और पानी कम, अगर इसको पतली बनाएंगे ना तेल अच्छा नहीं आएगा। स्पाइसी तो है, टेस्टी है। तो मेरी बेटी की आवाज़ आ रही है पर आ नहीं रही है वीडियो के अंदर, इतना बोल रहा हूँ। ओ चकली चकली कम सन्नारे कल रे माशा, वो बोल रहे मैं खेलूँगी आज तो, क्या करेगा इस बच्चे है ना, कभी कभार आने मन होते, कभी बार नहीं आती है। ना हम दोनों ना पानी से इंसान मधुमरो साहबा चाबा है ते वैसे चार रखते बगैर तुमको ज़्यादा मिर्ची लग रही है यार, है ना, मेरे को नहीं लग रही। सब्जी में हमने कभी मिर्ची ऐसे तेज में नहीं खाया ना हमने, पर मेरे को बिल्कुल भी सब्जी मिर्ची नहीं लग रही। हाँ ठीक है, स्पाइसी है, पानी पर एक वो भी है। अब दो तीन वीडियो में मैं सोच रहा हूँ राजस्थान सब्जी दिखाऊं, फिर हम खाएंगे मन्नी पूरी सब्जी, पर मैं सब्जी में मिस करता हूँ सिंजू को, नरी को, सब्जी को नरी को, हमारा हर दिन का। अब तो नरी के बिना, नरी के बिना सिंजू को तो सब्जी खाना नहीं घुसती है, वो भी खास कर चिकन। ये तो चलो सब, ये तो मैं खा रहा हूँ नॉर्मली, मेरे को मिस नहीं कर रहा हूँ, तो चिकन और मीट खाऊंगा ना और सम, तो भाई सिंजू चाहिए या फिर नरी चाहिए, सिंजू चाहिए। हाँ नरी से तो सिंजू बनती है बनाते हुए, नहीं नरी में चटनी नहीं होती। हाँ नरी वाला चटनी वो बोलते हैं हम लोग मरो मेरे पर, सिर्फ मेरी और मिर्ची बनाते हैं ना हम लोग मरो मेरे पर, मेरे को पता नहीं ना भाई, मणिपुर का नहीं ना इसलिए। बहुत खा रहा
और मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरी बेट, मैम मेरी बेट, कांदा कांदा ये क्या बोलती है? वो कांदा होगा तो ये कांदा, ये गोभी है तो गोभी के नाम भी तो होगा ना, कुछ तो चीजें हैं ना उनका नाम थोड़ा डिफरेंट है, जैसे पत्थर को भाटा बोलते हैं इसलिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अच्छी लगे प्लीज़ आगे बचाओ, और जो आपको लगता है वीडियो में कैसा लगा वो आप लिख सकते हो, एंड बाय गाइस।